गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर वन विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के एक टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का नाम है हुक का नियम। हुक का नियम, हुक ने यह नियम प्रतिपादित किया था, इसलिए इसे हुक का नियम भी कहते हैं। यह नियम बताता है कि किस प्रकार किसी बंध से जुड़े हुए दो एटम में दोनों एटम का वेट यानी भार कितना है और उन दोनों एटम के बीच किस प्रकार का बंध है, यानी कि बंध सिंगल बंध है, डबल बंध है या ट्रिपल बंध है। तो किस प्रकार दो एटम के बीच में किस प्रकार का बंध है, यानी कि बंध नियंता फोर्स कांस्टेंट क्या है और उन दोनों एटम का भार क्या है, वो निर्धारित करता है कि वो बंध किस फ्रिक्वेंसी म्यू, फ्रिक्वेंसी को हिंदी में हम बोलेंगे आवृत्ति, किस फ्रिक्वेंसी की आवृत्ति को अवशोषित करेगा, यानी कि किसी कंपन की आवृत्ति जो इसमें मैथमेटिकल रिलेशन है वो ये है कि मास और बल नियतांक के वर्गमूल के समानुपाती होता है, यानी कि किसी कंपन की आवृत्ति म्यू उस बंध के बंध नियतांक के वर्गमूल यानी अंडरूट के समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडरूट के, ओके, ये यहाँ लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। इस इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में म्यू बराबर 1/2πc, सी क्या है यहाँ प्रकाश का वेग, फिर अंडरूट है, अंडरूट में के है, के क्या है वो बंध का बल नियतांक के, उसके बाद म्यू है सामान्य द्रव्यमान रिड्यूस्ड मास, जिसके लिए फॉर्मूला अगर अपन ले तो ये फॉर्मूला जाए म्यू बराबर MA MB/MA+MB। सी है प्रकाश की गति, म्यू है सामान्य द्रव्यमान यानी रिड्यूस्ड मास, जिसको कैलकुलेट इस फॉर्मूले के द्वारा किया जाता है, जिसमें MA तो है A एटम का द्रव्यमान और MB है B एटम का द्रव्यमान। ये यहाँ इक्वेशन है हमारे सामने, इसमें K जो है वो बंध का बल नियतांक फोर्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम डाइन प्रति सेंटीमीटर में देखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर बंध के दो परमाणु हैं, एक ए है एक बी है, अगर वो दोनों भारी हो जाएं तो वो अंडरूट में नीचे की तरफ हैं, ये देखिए आप। तो अगर MA MB में से कोई भारी हो जाए और K कांस्टेंट ही रहे तो म्यू का मान क्या होगा, म्यू का मान कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम ये देखें कि A कांस्टेंट रहे द्रव्यमान और B बढ़ जाए तो बी द्रव्यमान बढ़ने के साथ भी क्योंकि ये म्यू के व्युत्क्रमानुपाती हैं इसलिए म्यू का मान कम ही होगा। हम तो यानी फाइनली क्या हुआ कि अगर दोनों परमाणु जो ए और बी हैं वो भारी होते हैं और के स्थिर हो तो आवर्ती म्यू का मान हमेशा कम होगा। ठीक है, जैसे कि हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एग्जांपल है, इसमें हम एक कार्बन तो चारों में कॉमन है, दूसरा एटम क्या है, एक में हाइड्रोजन है, एक में कार्बन है, एक में नाइट्रोजन है, एक में ऑक्सीजन है। तो अगर हाइड्रोजन से हम ऑक्सीजन की तरफ बढ़े तो द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान बढ़ने का मतलब है कि म्यू का मान कम हो रहा है, यानी कि इसमें हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, म्यू कम होगा कब, जबकि मास बढ़ेगा। ओके, इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं
कार्बन हाइड्रोजन बंद से लेके कार्बन ऑक्सीजन बंद की तरफ जब हम चलते हैं तो मास बढ़ता है, मास बढ़ा तो म्यू यानी आवृत्ति घटी। ओके, इसी प्रकार हम बंद सामर्थ्य के लिए देखते हैं कि मान लो कि मास एम ए और एम बी तो एक जैसे हैं, लेकिन के यानी कि बंद सामर्थ्य अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, बंद सामर्थ्य बढ़ेगा तो कंपन की आवृत्ति का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में आप देखें के बढ़ रहा है, के को अगर मैं बढ़ाऊँ तो म्यू का मान ऑब्वियसली बढ़ेगा ही ना, यानी कि बंद सामर्थ्य बढ़ेगा तो म्यू का मान बढ़ेगा। तो बंद सामर्थ्य बढ़ने से म्यू का मान कैसे बढ़ेगा, ये देखिए, एक एकल बंद में बंद सामर्थ्य सबसे कम, द्विबंध में बंद सामर्थ्य उससे ज़्यादा, ट्रिपल बंद में बंद सामर्थ्य सबसे ज़्यादा। तो हम देखें सिंगल बंद इससे ज़्यादा बंद सामर्थ्य होगा डबल बंद में, इससे ज़्यादा बंद सामर्थ्य होगा ट्रिपल बंद में। तो ट्रिपल बंद में के की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, है ना, और जब के की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो म्यू की वैल्यू ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के, ये सूत्र में देख लीजिए, म्यू और के एक दूसरे के समानुपाती हैं। ठीक है, तो ये जो हुक का नियम है ये एग्ज़ाम में कई बार आता है, ये हुक का जो नियम है ये एग्ज़ाम में कई बार आता है। इसको हम ध्यान से स्टडी करेंगे, एग्ज़ाम में ये 5 नंबर के क्वेश्चन में 2+3 में से 2 नंबर में कई बार पूछ लिया आ जाता है ना। थैंक यू।